नबी पाक सल्ला ताली आल वसम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी ना किसी की हज़ार साल हुई किसी की उससे ज़्यादा हुई तो अल्लाह के महबूब आलम के दिल मुबारक में ये ख़याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी तो कैसे इतनी लंबी नकियाँ कर सकेंगे तो अल्लाह ताली ने फिर ललतुल्कदर अता फ़रमाई गोया इस एक रात में जो आदमी नेकी करे एक हज़ार दिन नहीं कितना लोगों को शौक़ है कि कोई ऐसा जैक लगे यकदम मेरी सारी चीजें बढ़ जाएं तो इस पर भी तो जरा गौर करें ना ये एक रात एक हजार दिन से नहीं एक हजार महीने से अफजल है एक हज़ार यकदम आपकी नेकियों की, की उम्र एक हजार माह तक चली जाती है कितनी बड़ी फजीलत की बात है मेरे रसूल करीम वसल्लम ख़ास तवज्जो दिलाते इस रात के हवाले से तवज्जो दिलाते और ये रात कब होती है सही अदीस में मौजूद है नबी पाक सल्ला वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो वो ये जो पाँच ताक रातें हैं ना इक्कीसवीं तेईसवीं पच्चीसवीं सत्ताईसवीं उनतीसवीं इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते आसमान दुनिया पर ज़मीन पर फरिश्ते उतरते हजरत जबरील अमीन अलीसलात सलाम उन्हें लेकर के आते हैं और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो जो बंदा अल्लाह तबारक वाली के जिक्र में मौजूद हो जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक वाली की बारगाह में किसी भी तौर पर हाज़िर हो फरिश्ते उसके लिए दुआ मगफरत भी करते हैं और रब की बारगाह में अल्तजा राहमत भी करते हैं और एक रवायत में हमें यूँ भी मिलता है कि फ़रिश्ते मुसाफ़ा भी करते हैं हाथ भी मिलाते हैं देखिए न कितनी शादतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसकी ज़्यारत को आएँ हमारे सूफिया फरमाते हैं तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का फ़रिश्ते कई बार तेरी ज़्यारत को आया करेंगे और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तोज्जो है कि इंसान जब मासूस करता है ना मुझे कुछ देख रहा है तो ज़रा उसकी इबादत का अंदाज़ भी थोड़ा तब्दील हो जाता है तो अगर ये जेन हो हमारा कि हमें फरिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जा हमारे रब की बारगाह में पेश करेगी तो फिर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए ज़्यादा ही इनहमाक होना चाहिए वो खो जाए ठीक है हम कमज़ोर भी हैं हमारे अंदर कुछ परेशानियाँ भी हैं हमारी बीमारियाँ भी हैं हम लागर भी हैं ज़ोफ़ भी आ जाता है थकावट भी हमें आ लेती है लेकिन लंबी तो बात ही कोई नहीं पाँच तो ताकते हैं हज़रत सैदा इशा सिदीका रजी अल्ला तरशाद फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था ना तो नबी पाक अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए खुद भी रात को उठते थे हमें भी जगाते थे क्योंकि सोने के दिन तो नहीं है तो जागने के दिन है सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है ये रब के बंदों की शान है और वैसे भी दरवेश कहते हैं कि रात पवे तो बे दर्दा नु नींद प्यारी आवे दर्द मंदा तो याद सजन दी आन जगावे तो ये वक्त है ख़ास इस ख़ास वक्त इस बात की तरफ ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए और ये जो कहा गया ना कि फ़रिश्ते नाजिल होते हैं बेजन रबी मिनकुल्ले अमर अल्लाह के हुक्म से आते हैं और हर काम के लिए हर अमर खैर के लिए आते हैं इसमें भी हमारे मुफद ने लिखा है कि वो तुम्हारे लिए पूरे साल का फ़ैसला करेंगे कि तुम्हें क्या दिया जाएगा तुम क्या हासिल करोगे अल्लाह तबारक का वाले की बारगाह से तो इसका माना ये हुआ कि फिर तो ये लेने की रात है ऐसा ना हो कि फ़रिश्ते आए हों रब की बारगह से ये पैगाम करम हो कि देना है और लेने वाले सो रहे हों वो आराम में हों तो याद रखें खैरात उसी के प्याले में आती है जिसका प्याला सीधा होता है और अगर प्याला सीधा ना हो तो खैरात फिर प्याले में नहीं आया करती तो फिर इसको जो कहा गया ना कि ये सलामती वाली है तो इसमें एक और बात भी हमारे फिर मुबसरीन ने लिखी है कि इस रात शैतान तो वैसे ही कैद है इस रात बंदे का नफ्स भी नहीं उसे तंग करता ये ताक रातें इतनी हसीन है कि थोड़ी सी बंदा हिम्मत करे तो अल्लाह इबादत के लिए उसके दिल को करार अता कर देता है उसे सुकून मिलता है तबीयत ठंडी हो जाती है और वो बड़े जौक के साथ अल्लाह की इबादत करता है खूब बेदारी का मुजाहरा करें ताक रातों में